क्रिस में प्यारे भाई बहनों, हम उपवास काल के 14 सप्ते में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारे मंदन के लिए कलीसिया माता हमारे सामने रखती है कि हम ईश्वर के लिए उचित फल उत्पन्न करने वाले व्यक्तियां बने। स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। प्यारे भाई बहनों, आजकल हम लोग कॉरपोरेट जमाना में रहते हैं। अपनी उद्योगपति संपत्ति निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उससे वे प्रॉफिट मांगते हैं। हर कर्मचारियों को टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को पूरा करके उसको मुनाफा प्रदान करने के लिए वे चाहते हैं। यदि अपने कार्य में प्रगति नहीं होती, मुनाफा नहीं मिला, प्रॉफिट सही रूप से नहीं हुआ, तो अपने उद्योग को बंद करके कर्मचारियों को वापस अपने घर भेजते हैं या दूसरा उद्योग चालू करते हैं। आज के दृष्टांत में हिंसक असामियों का दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु हमसे यही चाहते हैं कि हम राज्य का फल उत्पन्न करने वाले व्यक्ति बने। इस हिंसक असामियों का दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमको यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हम प्रभु के द्वारा दिया गया वही मार्ग पर चले, क्योंकि वचन कहते हैं मार्ग सत्य और जीवनमय हूं। प्रभु यीशु हमारा मार्ग है, उन्होंने हमें अनंत जीवन को पाने के लिए मार्ग हमें दिखाया है। प्रभु यीशु हमारा जीवन है, वही सत्य है और इस सत्य पर चलते हुए हम स्वर्गीय पिता के पास पहुंच सकते हैं। देखिए, आज के हिंसक असामियों का दृष्टांत में 6 लोगों की भूमिका हम यहां देखते हैं। पहला, प्रस्तुत दृष्टांत में भूमिधर ईश्वर हैं, दाकबारी इसराइल हैं, असामी यहूदी नेता हैं, नौकर नबिया हैं, पुत्र ईसा मसीह हैं और दूसरे असामी गैर यहूदी हैं। प्यारे मित्रों, हिंसक असामियों का दृष्टांत में हम देखते हैं कि अपनी दाकबारी की व्यवस्था बढ़ियास से करते हुए उन्होंने पट्टे पर असामियों के हाथ में देकर प्रदेश चला जाता है, लेकिन फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजता है। और हमें मालूम है नौकरों के साथ में क्या हुआ, मारा पीटा, किसी को भगा दिए, पत्थरों से मारे, गाली गलौज किए, भगा दिए। लेकिन इसके बाद और भी नौकरों को भेजा, उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उन्हें अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे पुत्र को आदर करें, उनके बात माने। लेकिन देखिए यहां क्या हुआ, इस असामियों ने उनको पकड़ लिया और यह बोला, हम खुद इसका उत्तराधिकारी बने, इसको हम खत्म कर देंगे। सचमुच में यही बात को हम पुराने विधान में इतिहास का ग्रंथ अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं। वहां यहोवा ने अपने चुने हुए इसराइल को ऐसी दाकबारी के रूप में बढ़िया सजाकर सब कुछ की व्यवस्था करके उनके साथ चलकर उनके खाने पीने रहने की सब कुछ की व्यवस्था करते हैं। और उसके बाद उन्होंने उससे फल खोजते हैं, लेकिन उनसे धार्मिकता की आशा भी पर सिर्फ भ्रष्टाचार ही उनमें दिखाई दिया। ऐसियास का ग्रंथ अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, उपजाऊ डाल पर मेरे मित्र की दाकबारी थी, उसने उसकी जमीन खुदवाई, पत्थर निकाल दिए और बढ़िया दाकलदा लगवाई, इसके बाद बीच में मीनार भी बनवाया और इसमें एक
खुल्लू भी कुदवाया और अच्छी फसल की आशा थी, लेकिन उसे कट्टे अंगूर ही मिले। देखिए, बढ़िया किस्म का दाखलदा उन्होंने लगवाया, लेकिन अच्छे फसल की आशा थी, अंत में उनको मिला कट्टे अंगूर। तो सचमुच में इस दाखबारी का मालिक को गुस्सा आया होगा। और देखिए, इस दाखलदा का मालिक ने क्या किया, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दाखबारी का क्या करूंगा। उसका बाड़ा हटाऊंगा, पशु उसमें चरने जाएंगे, उसकी दीवारें ढहाऊंगा, उसे पैरों तले रौ देंगे, वह उजड़ जाएगी और झाड़ने या खोदने नहीं जाऊंगा और उसमें झाड़ झंझाड़ उग जाएगा और मैं बादलों से कहूंगा कि उसमें पानी न बरसे। देखिए, उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने कसम खा लिया है, ताकि जो व्यक्ति उचित फल नहीं देता है तो उसको प्रभु दंडित करता है। किसी ने कहा है, मंजिल मिले न मिले, यह तो मगधार की बात है, हम कोशिश भी न करें यह तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हरना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। पाना है अनंत जीवन तो उचित फल देना ही सीख लो। प्यारे भाई बहनों, रोमियो के पत्र अध्याय 8 में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर के विधान का पालन करते हैं उनको अपने पुत्र पुत्रियों बनने का दर्जा दिया है। और रोमी अध्याय 8:15 में हम पढ़ते हैं, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हुए वे अब ईश्वर के पुत्र होंगे। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान है तो हम उसकी विरासत के भागीदार हैं। प्यारे भाई बहनों, अनंत जीवन का भागीदार बनने के लिए प्रभु यीशु ने अपने जीवन हमारे लिए निछावत कर दिया। पिता का प्रेम पुत्र के द्वारा प्रकट हुआ ताकि हम में से कोई भी नष्ट न हो जाए। हमको जीवन देने के लिए, वो भी भरपूर जीवन देने के लिए प्रभु ने इस संसार में अवतारित हुए हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु ही जीवन है, वही सत्य है और हम सबों को उनके विरासत के अधिकारी बनाने के लिए प्रभु यीशु ने इस संसार में आया। तो हम इस उपवास काल में सचमुच में हमारे धार्मिकता के आधार पर हम अपना जीवन बिताते हुए अपनी आध्यात्मिकता को मजबूत बनाने की प्रयास करें। पाना है अनंत जीवन तो उचित फल देना ही सीख लो। वही उचित फल अपने जीवन में हम ईश्वर को प्रदान करने के लिए कोशिश करें, ताकि हम अपने अनंत जीवन से वंचित न हो जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।